हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज की। फॉर आपके सिर्फ सिंपल प्लेन के लिए, कोई इंक्लाइंड विंक्लाइंड प्लेन नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो सबसे पहले आपके सामने डायग्राम बना लेता हूँ कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ दिखता कैसे है। वो कुछ इस तरीके से आपका पाथ आता है। तो आपको बताऊंगा कि अगर ऐसे पार्टिकल यहाँ आ जाए, 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 यहाँ पे आए, तो देन उसका जो टाइम होगा वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि वर्टिकली हाइट इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट होगी, और मैंने वर्टिकली डिस्टेंस कितनी मानी थी इसकी, बाई मानी थी किसी एक पॉइंट पर। तो मैं बोलता हूँ कि इनिशियली अगर इसकी हाइट पहले बढ़ रही है फिर देन आफ्टर घट रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल रहा है नेट, जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि वाई इज इक्वल क्या था आपका, मैंने यू कंसिडर किया इस बार, बी नहीं किया, तो कितना वाला था, मैंने यू साइन अल्फा इंटू टी वन माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा, जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर कितना है आपका यू साइन अल्फा इंटू टी वन हाफ जी टी स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसको इधर लेके जाता हूँ, यू साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल आउट करो, टू का मल्टीप्लाई करो, टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, टू यू साइन एल्फा ओवर जी। कितना आएगा आपका, टू यू साइन एल्फा ओवर जी। और ये जो चीज निकल के आई है वो आपकी निकल के आई है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकल के आई है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं अगर बात करता हूं कि अगर मेरी जो बॉडी है वो मैक्सिमम कंडीशन तक जाती है, और उस मैक्सिमम कंडीशन तक जाने पर उसका टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो कितनी होगी, तो मैं आपसे एक चीज कंसीडर करना चाहता हूँ कि जब मेरी बॉडी नीचे से ऊपर पहुंची होगी तो उसका जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या हो गया, जीरो हो गया होगा। कहने का मतलब कि अगर मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी देखूँ कि यू इनिशियल कितना होगा, वो होगा मेरा यू साइन अल्फा, और इस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने पर उसका यू फाइनल कितना हो गया होगा आपका, जीरो हो गया होगा, और ए क्या होगा आपका, माइनस के जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि वी इज इक्वल यू माइनस के जी टी, तो वी की वैल्यू जीरो हो गई, यू की वैल्यू कितनी आपकी, यू साइन एल्फा माइनस के जी टी, तो जी टी इज इक्वल यू साइन एल्फा और टी इज इक्वल यू साइन एल्फा ओवर जी। तो ये जो टी निकला है वो आपका टोटल टाइम फ्लाइट नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल है, ये आपका क्या है, टाइम टू रीच, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये टाइम क्या लग रहा है आपका, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है ये वो है आपका। और इसके बाद देखना है मेरे को कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो देख लेते हैं गाइज। तो मैं अभी वो जैसे मैंने वही बात की कि अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है कि यू आई इज इक्वल यू साइन एल्फा है, और फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, और जो मेरी बाई है वो मेरी एच मैक्स हो जाए, तो आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी। तो आपको देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर माइनस के टू जी एस, या वाई लिखना था, तो वी की वैल्यू जीरो हो गई, यू स्क्वायर भी लगा दूंगा, और टू जी एक्स की वैल्यू हो गई मेरी एच मैक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं इसकी। तो यहाँ से निकलेगा आपका टू जी एच मैक्स इज इक्वल यू स्क्वायर, तो एच मैक्स इज इक्वल यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज यू इनिशियल, यू इनिशियल, यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा ओवर टू जी। ठीक है, निकली मेरी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। इसके बाद देखना है मेरे को रेंज। तो रेंज आपको पता है कि रेंज अभी कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा जब रेंज होगी, तो इसके अंदर मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा। तो रेंज के लिए आपको पता है कि आर इज इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम। तो वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन की आपकी यू कॉस एल्फा, और टोटल टाइम कितना है आपका, टू यू साइन एल्फा ओवर जी, टू यू साइन एल्फा ओवर, टू यू साइन एल्फा ओवर जी। तो कितना है आपके यहाँ पे, टू यू स्क्वायर साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा ओवर जी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टू साइन एल्फा कॉस एल्फा क्या होता है आपका, यू स्क्वायर इज इक्वल साइन टू एल्फा ओवर जी। तो
तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए हैं डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू.